दोस्तों यदि आप लो सिविल के ऊपर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज के वीडियो में आप देख पाएंगे यदि आप इस एप्लीकेशन से कभी लोन से लिए हैं तो किस तरह से लोन को रिपेमेंट करेंगे, इसकी जानकारी आपको लाइव विद प्रूफ पेमेंट के साथ बताने वाला हूं। साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से एप्लीकेशन ये वर्क करती है और कौन से शहर में एप्लीकेशन ये वर्क करती है, सारी डिटेल के साथ इस वीडियो में मैंने कवर किया है। साथ साथ हम आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से आप यहाँ पर नेचुरलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखिएगा। दोस्तों मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं टेक एंड ऑनलाइन सॉल्यूशन में आपका स्वागत करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों फाइनल आ चुका है मोबाइल फोन की स्क्रीन पे, तो आपसे रिक्वेस्ट ही करूंगा शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिए, उसके बाद ही लोन के लिए अप्लाई करिएगा। दोस्तों हमारे फोन में एप्लीकेशन पहले से इंस्टॉल है, मैं यहां से ओपन कर लेता हूं। दोस्तों ये है बीनो फाइनेंस, जिसके जरिए से यहां पर मैक्सिमम लोन 10,000 रुपए तक का ले सकते हैं। ये है एप्लीकेशन का डैशबोर्ड और यहाँ पर देख पाएंगे 3,000 रुपए की लिमिट्स मिली है और यहाँ पर देख पाएंगे 22 सितंबर 2020 को लोन को रिपेमेंट करना है, यानी हमारी ईएमआई फर्स्ट ईएमआई होगी 265 रुपए, लोन को रिपेमेंट करना है। हमारी बैंक से ऑटो डेबिट यहाँ पर होने वाली है, मैं चाहूँ तो यहाँ पर मैनुअल पेमेंट कर सकता हूँ। तो आज है मेरी फर्स्ट ईएमआई है और मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से यहाँ पर फर्स्ट ईएमआई मैनुअल तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों ये है वीनो फाइनेंस, जो कि इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप के जरिए से मैक्सिमम लोन 10,000 रुपए तक का ले सकते हैं। इस एप्लीकेशन के बारे में फुल डिटेल के साथ बताया लाइव विद प्रूफ पेमेंट के साथ कि किस तरह से एप्लीकेशन ये वर्क करती है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन पार्ट में वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगी। लेकिन आज की डेट में आज हम बात करने वाले हैं अगर आप इस एप्लीकेशन से कभी लोन लिए हैं तो किस तरह से आप यहाँ पर मैनुअल लोन को रिपेमेंट कर सकते हैं। और मैंने पिछले वीडियो में यह भी बताया था कि किस तरह से आप यहां पर नेचुरलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं ताकि आपके बैंक खाते से ऑटो डेबिट हो सके, यानी आपके लोन डिटेक्ट हो सके आपके बैंक अकाउंट से। लेकिन दोस्तों आज के वीडियो में आप जानेंगे कि किस तरह से आप मैनुअली लोन को रिपेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों लोन रिपेमेंट करने के लिए पे नाउ के ऊपर आप क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर एक बार लोन अमाउंट डिटेल चेक करेंगे और यहाँ पर कई तरह का आपको मेथड मिल जाएगा जिसके जरिए से यहाँ पर लोन को रिपेमेंट कर पाएंगे, जैसे कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको आज बताऊंगा यूपीआई के जरिए से किस तरह से लोन को रिपेमेंट करेंगे फुल डिटेल के साथ। यहाँ पर मैं फोन पे सिलेक्ट करूंगा और फोन पे यूपीआई आईडी यहाँ पर इंटर करूंगा, उसके बाद वेरीफाई एंड पे के ऊपर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर देख पाएंगे यूपीआई आईडी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, अब मुझे यहाँ पर 5 मिनट के अंदर में फोन पे एप्लीकेशन द्वारा लोन का रिपेमेंट करना होगा। तो चलिए हम फोन पे एप्लीकेशन ओपन करते हैं और वहाँ देख पाएंगे कि आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। तो चलिए मैं यहाँ से फोन पे ओपन कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख पाएंगे फोन पे एप्लीकेशन के डैशबोर्ड में 265 रुपए के लिए रिक्वेस्ट आ चुकी है। आप यहाँ पर पे के ऊपर क्लिक करेंगे, एक बार लोन अमाउंट डिटेल चेक करेंगे और यहाँ से नीचे से बैंक अकाउंट सिलेक्ट करेंगे, जिस भी बैंक अकाउंट से लोन अमाउंट डेबिट करना चाहते हैं या फिर लोन पेमेंट करना चाहते हैं, उसके बाद नीचे से सेंड करेंगे, अपना यूपीआई पिन एंटर करेंगे और थोड़ा वेट करेंगे। तो दोस्तों फाइनल एप्लीकेशन के डैशबोर्ड में देख पाएंगे 265 रुपए हमने यहाँ पर प्रॉपर तरीके से पेमेंट कर लिया है। अब चलते हैं वीनो फाइनेंस एप्लीकेशन के अंदर में और वहाँ देखते हैं पेमेंट सक्सेसफुली हुआ है फिर नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर वीनो फाइनेंस एप्लीकेशन के डैशबोर्ड में देख पाएंगे पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है, जैसा कि स्क्रीन के सामने देख पाएंगे। तो दोस्तों ये है वीनो फाइनेंस एप्लीकेशन, जिसके जरिए से यहाँ पर फर्स्ट टाइम 3,000 रुपए की लिमिट्स मिली है। आपको यहाँ पर 15 दिनों के बाद ईएमआई आपको पेमेंट करनी होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पर पहली ईएमआई पेमेंट की है 265 रुपए के लिए, जो कि 22 सितंबर को लोन का रिपेमेंट करना था, अपने बैंक अकाउंट से ऑटो डिटेक्ट हो सकता था। लेकिन मैंने यहाँ पर आपको मैनुअल तरीके से बताया कि किस तरह से लोन को रिपेमेंट कर सकते हैं यदि आपने बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट एवरेज नहीं रखते हैं। तो 200 फाइल मैंने 265 रुपए पेमेंट कर दिया है। ये हमारी थी पहली ईएमआई, जो कि हर एक 15 दिनों के बाद लोन को रिपेमेंट करना होता है। दोस्तों बात करें लोन डिटेल के बारे में, तो आप यहां पर देख पाएंगे लोन अमाउंट 3,000 रुपए के लिए अप्रूवल मिली है और यहां पर देख पाएंगे 12 वीक के लिए आपको समय मिल जाता है, यानी कि हर एक 15 दिनों के बाद ईएमआई आपको पेमेंट करनी होगी अपने बैंक द्वारा या फिर आप मैनुअल पेमेंट कर सकते हैं, जैसे आज मैंने आपको करके बताया है। दोस्तों ये है वीनो फाइनेंस, जिसके जरिए से यहाँ पर मैक्सिमम लोन 10,000 रुपए तक का ले सकते हैं और लोन रिपेमेंट करने का 12 वीक आपको समय मिल जाता है।
यदि आप इस एप्लीकेशन द्वारा लोन अप्लाई करना चाहते हैं, लाइव स्टेप प्रोसेस देखना चाहते हैं, तो इसके ऊपर मैंने एक कम्प्लीटली वीडियो बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन पार्ट में वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगी, एक बार जरूर चेकआउट कर ले। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि चैनल के ऊपर मैक्सिमम वीडियो लाइव विद प्रूफ पेमेंट के साथ हमेशा वीडियो मैं लाते रहता हूँ।